नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 6। इस वीडियो में अपन बात करेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म का मतलब सिंपल है, देश के प्रति पैट्रियोटिक फीलिंग होना और देश को सबसे ऊपर रखना। वहीं इंपीरियलिज्म अलग है। इंपीरियलिज्म का मतलब है अपने कंट्री को एक्सपेंड करना मिलिट्री या फिर किसी अदर सोर्स के मीन्स से। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बोलूँ कि मुझे इंडियन आर्मी से बहुत प्यार है तो इसका मतलब हुआ नेशनलिज्म। और वहीं मैं बोलूं कि नेपाल अच्छा नहीं है और उस पर हम कब्जा करेंगे तो वो हुआ इंपीरियलिज्म। तो बड़ी कंट्रीज इंडिपेंडेंस के बाद में डोमिनेंस स्टैब्लिश करने लगी छोटी कंट्रीज के ऊपर में, तो इसी तरीके से इंपीरियलिज्म में नेशनलिज्म शिफ्ट होता गया। तो अब अपन बात करते हैं बलकंस रीजन के बारे में। इस रीजन में ज्योग्राफिक के साथ साथ में एथनिक वेरिएशन भी था, मतलब लोग आपस में बहुत डिफर करते थे कल्चर में। तो आज के समय में जो रोमानिया है, बल्गेरिया है, अल्बेनिया है, ग्रीस है, वो पहले बलकंस रीजन में आया करते थे। शुरुआत में जो बलकन का रीजन है वो ओटोमान एम्पायर के अंडर आया करता था और शुरुआत में ओटोमान एम्पायर बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। पर अब समय के साथ साथ ओटोमान एम्पायर कमज़ोर होता गया और काफ़ी कंट्रीज अलग होती गई और अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। तो अब ये एरिया जो है एक पूरा लड़ाई का एरिया बन के रह गया था, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन के बाद में कंट्रीज बनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करना चाहती थी, तो इसलिए यहाँ आए दिन लड़ाइयाँ हुआ करती थी। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब बड़ी कंट्रीज जैसे जर्मनी और फ्रांस ने इस एरिया पे एंट्री की और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वॉर करना शुरू कर दिया। तो इसके कारण लड़ाई पूरे यूरोप में फैल गई थी, क्योंकि बड़ी कंट्रीज भी आपस में राइवल्स बन गए थे और फिर इसी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। तो अब अगला पार्ट आता है एंटी इंपीरियल फोर्सेस। कंट्रीज जैसे कि इंडिया और अफ्रीका, इन कंट्रीज में भी नेशनलिज्म के सेंटीमेंट जागृत होने लगे थे, पर उनका कारण था इंपीरियलिज्म। जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया तो उसके कारण नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप हुई कि अब हमें आज़ाद होना है। तो अब इंपीरियलिज्म एक वजह बन गया था नेशनलिज्म डेवलप होने का, और इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में काफ़ी कंट्रीज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो दोस्तों, ये था लास्ट पार्ट नेशनलिज्म इन यूरोप का। आशा करता हूँ आपको ये पूरी सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप मज़े से पढ़ते रहिए और इस सीरीज का पूरा फायदा उठाइए अपनी प्रिपरेशन में। अगला चैप्टर होने वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि इस सीरीज से भी काफ़ी ज़्यादा फोड़ू होने वाला है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें।